सरकार जवाब दे रही है, उदय ये सदन साक्षी है और आसन भी साक्षी है। हिंदू के रामनवमी जुलूस पर पत्थरबाजी हुई, हिंदुओं को कत्लेआम किया गया। मैंने मुख्यमंत्री को सदन में आकर जवाब देने के लिए कहा, आसन ने निर्लज्जता दिखाते हुए, आसन ने एक पक्षीय कार्रवाई करते हुए मार्शल आउट करने का काम किया। लोकतंत्र आज शर्मसार हो गया। आज सदन के अंदर जब हम लोग बिहार शरीफ, नालंदा, सासाराम, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, गया का मामला उठाया और तुष्टिकरण की राजनीति में एक पक्षीय कार्रवाई हिंदुओं पर, उसी पर उसी का लूट हुआ, उसी का पत्थर बरसा, उसी की हत्या हुई और उसी के परिवार को पकड़ करके FIR करके अंदर कर रहे हैं, ये विषय उठाया हमने। डॉक्टर का अपहरण का एक महीना से ऊपर हो गया, वो विषय जो नरसंहार हुआ, हत्या, अपहरण, लूट, बलात्कार का, भ्रष्टाचार का कई मामला को एक भी जवाब नहीं दिए। मंत्री इजराइल मंसूरी पर FIR तक नहीं किया गया। और जब ये प्रश्न हम लोग उठाए तो सत्ता पक्ष के लोगों का और संसदीय कार्य मंत्री वो ज्ञान बखार रहे थे, गोल गोल जवाब दे करके वो घुमा रहे थे। हमने कहा, हमारे सदस्यों ने कहा कि मुख्यमंत्री जवाब दे। मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री सदन के अंदर आना आते नहीं है। और हद तो तब हो गई कि जब यहाँ के एक विधायक, उनके मोहम्मद निहालुद्दीन का बयान है कि आत्म सुरक्षा के लिए बम बना रहे थे, ये बिहार को आतंकवादियों का गढ़ बना रहे हैं और सरकार PFI मदरसों के माध्यम से ये बिहार के अंदर आतंकवादियों का पनाहगार बना करके दंगा करवा रही है। और मुख्यमंत्री बयान देते हैं कि लोग ने उपद्रव किया है, धिक्कार है सत्ता पर बैठने का, 4 दिन 5 दिन बीत गया, अभी तक आपने उस पर कोई जवाब नहीं दिया। मुख्यमंत्री ने भी जवाब दिया, विजय जी, उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी के लोगों ने ये सब किया है। खुला चुनौती है सदन के अंदर, क्यों बहस से भाग रहे हैं? और ये इनके ऊपर कोई विश्वास नहीं है, इनके टॉप शिखर पर बैठा पदाधिकारी दंगाइयों को बचा रहा है।